वैसे बाइक्स मैंने काफ़ी चलाई है, ZX10R भी चलाई है, Z900 भी चलाई है, और भी काफ़ी सारी बाइक्स चलाई मैंने, BMW S1000RR भी चलाई है, बट मेरे को हायाबूजा बहुत अच्छी लगी। मतलब उसकी पावर और जो हेड टर्नर है एक तरीके से, मतलब आप कहीं पर भी लेकर आप निकल गए ना तो मतलब लोग ज़रूर देखेंगे आपको। एक ऐसा था इंसिडेंट जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा डरी भी हुई थी, क्योंकि नई जगह पर जब आप जाते हो और आपको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो रोड रेज जो करते हैं फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं आप कर लो आप चले जाओ, तो इट्स बेटर क्योंकि आप तो भी उनके जैसे करोगे तो फिर क्या कोई डिफरेंस। एक बार मुझे भी किसी ने किया था कमेंट पास, बट बाय चांस जिसको वो बोल रहा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अदर पॉडकास्ट, और आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो मोटर ब्लॉगिंग के ऊपर है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक फीमेल राइडर की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक फीमेल राइडर के साथ है, तो उनसे हम बात करेंगे और उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो आइए हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, मिस अर्शदीप कौर को। हेलो गाइस, हेलो। तो अर्शदीप जी, आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने मतलब राइडिंग स्टार्ट करी, क्या आपका एक्सपीरियंस था, क्या किससे आपको इंस्पिरेशन मिली, मतलब आपके लाइफ के बारे में कुछ बताइए हमारे गेस्ट को। ऐसी कोई इंस्पिरेशन तो नहीं थी, बट हाँ मुझे बाइक्स बहुत पसंद थी शुरू से, तो स्कूल टाइम से ही मतलब स्कूल जाती थी लड़कियाँ स्कूटी पर, और तब मैं बाइक्स देखती थी, और कोई भी बाइक जाती थी तो मैं सोचती थी कि मैं भी एक दिन बाइक चलाऊँगी और खुद अपनी बाइक लूँगी। तो आप कह सकते हो कि 10th-11th में ये ज़्यादा मुझे क्रेज़ हुआ था। अच्छा। और राइट नाउ आई एम ऑफ 26 इयर्स ऑफ एज एंड यस आई ओन 3 बाइक्स, तो बट या अभी मेरे पास सुपर बाइक नहीं है, तो सून आई विल गेट दैट ऑल्सो। बाकी इंस्पिरेशन यही है कि मेरे को मशीन्स पसंद है, मुझे बाइक्स पसंद है, यही कह सकते हैं आप। तो अर्श, हमें यह बताओ कि जैसे तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि तुम फीमेल राइडर हो, लड़कों का तो समझ में आता है क्योंकि मैंने भी काफी राइडिंग करी है तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन लड़कियों का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता है, तो तुम लोगों में क्या प्रॉब्लम्स आती है मतलब मोटर ब्लॉग्स बनाने में या ट्रैवल करने में? प्रॉब्लम तो बहुत आती है, बहुत ज्यादा आती है, मतलब गर्ल्स के लिए आज के टाइम पर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कंजर्वेटिव फैमिलीज होती हैं, मना करते हैं, और मुझे भी मना किया गया। अब मैं नोएडा में रहती हूँ, तो दिल्ली में पहले जब मैं सबके साथ रहती थी, अभी भी मतलब फैमिली आती रहती है, बट बिकॉज मैं परस्यू करना चाहती थी खुद, मैं यहाँ पे जॉब भी करती हूँ और साथ में राइड वगैरह भी करती हूँ, बट वहाँ पर जब मैं रहती थी कॉलोनी होती है तो आसपास लोग देखते हैं, बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो बट ये चीज़ है कि मेरी मम्मी ने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, बाकी कोई भी कुछ कहता था बट मम्मी कहती थी कि जो तेरे को सही लगता है तू कर, बट तू यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि लोग यहाँ पर बोलते हैं, तो कहीं और चली जाएगी ना, तू जो मर्जी कर। तो आप यही कह सकते हो कि सोसाइटी में काफ़ी चीज़ें होती हैं, बट अगर आप कोई अच्छी जगह पे मूव हो जाते हो, अपने लायक एक अच्छी जगह ढूंढ लेते हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जैसे आपने बोला कि आपकी मम्मी ने सपोर्ट करा, तो फैमिली से स्टार्टिंग से मतलब जब आपने बताया कि मुझे मतलब बाइकिंग का शौक है, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? आपने मम्मी का तो बताया, बाकी मम्मी का भी वैसे मिक्स्ड ही था, ऐसा नहीं कि मम्मी कहती कि नहीं भाई तेरे को ले ही देंगे बाइक, ऐसा तो नहीं था। हाँ उन्हें पता था कि मुझे पसंद है, मैं कर सकती हूँ, उन्हें मेरे पे विश्वास था, बट उन्हें ये था कि कहीं गिर ना जाए, जैसे होती है सेफ्टी वाइज होता है कि ये जाती है राइड पे, इसे लग ना जाए। अभी भी जब मैं जाती हूँ तो मेरे को यही सुनने को मिलता है, या मम्मी यही कहती हैं कि ध्यान से जाया कर और ज़्यादा लोगों के साथ मत जाया कर, सिर्फ अपने सिलेक्टिव लोग ही हों, जो कि होना भी चाहिए। आप ज़्यादा लोगों के साथ जाते हो, आपको नहीं पता कि लोग कैसे राइडिंग स्टाइल सबका डिफरेंट होता है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहली आपने कौन सी बाइक चलाई थी उसके बारे में बताओ, उसका एक्सपीरियंस किसने सिखाई थी आपको, अगर वो शेयर करना चाहो हमारे साथ। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बाइक सिखाई थी, मैंने सीखी थी एवेंजर, फर्स्ट बाइक मैंने एवेंजर चलाई थी, और आई गेस मेरे को 3-4 दिन में मैंने सीख ली थी, तो स्टार्टिंग में तो मुझे मतलब बहुत डर लगा था। अच्छा। उसके बाद वो पीछे, क्योंकि उसकी तो वैसे भी वो ग्राउंड, हाँ वो क्योंकि है ही, वो काफ़ी नीची है तो इतनी ज़्यादा ऊंची है नहीं, तो इसमें मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। हाइट तो आपकी अच्छी है, हाइट तो अच्छी है, बट सीखने के लिए वैसे ऐसी बाइक्स ही लेनी चाहिए जो थोड़ी ग्राउंड लेवल के पास ही रहे, मतलब ज़्यादा ऊँची ना हो। तो मैंने उस पर ही सीखी थी, वो पीछे बैठ जाता था, मैं चला लेती थी, बस ऐसे ही सीखी मैंने। उसके बाद मैंने बुलेट चलाई, और
फिर तो मैं चलाती रही ना बाइक। तो सबसे अच्छी बाइक अभी तक आपने बहुत सारी बाइक चलाई, मैंने आपका इंस्टा अकाउंट देखा था, मैंने इंस्टाग्राम की लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पर जाके इनका इंस्टा अकाउंट चेक कर सकते हैं। आपने बहुत सारी बाइक चलाई, अभी मैंने आपको रिसेंटली देखा था हायाबुसा भी आपने चलाई थी, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको कौन सा था, कौन सी बाइक चलाने का? मैं हायाबुसा ही कहूंगी। वैसे बाइक्स मैंने काफी चलाई है, ZX10R भी चलाई है, Z900 भी चलाई है, और भी काफ़ी सारी बाइक्स चलाई मैंने, BMW S1000RR भी चलाई है, बट मेरे को हायाबुसा बहुत अच्छी लगी। मतलब उसकी पावर और जो हेड टर्नर है एक तरीके से, मतलब आप कहीं पर भी लेकर आप निकल गए ना, तो मतलब लोग ज़रूर देखेंगे आपको, मतलब ऐसे रिएक्शन। दो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ ऐसी चीज़ें, रिएक्शंस वगैरह, बट वो बहुत बहुत अच्छी है बाइक, बहुत अच्छी है। I hope मैं किसी दिन वो ले पाऊंगी। तो अर्शदीप भी ये बताओ, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो जो तुम शेयर करना चाहो, तुम बाइकिंग कर रही हो, मतलब कोई है तो नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग कुछ अलग टाइप का एक्सपीरियंस भी होता है? हुआ तो बहुत कुछ है वैसे मेरे साथ, बट हाँ एक ऐसा था इंसिडेंट जिसमें मैं काफी ज्यादा डरी भी हुई थी, क्योंकि नई जगह पर जब आप जाते हो और आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता, या मतलब आप कह सकते हो कि मैं अकेली नहीं थी इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अगर आप अकेले जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हम एक्चुअली गए थे जयपुर, मैं और मेरे फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पर ये हुआ कि मैं अपनी थंडरबर्ड पे थी और वो अपनी बाइक पे, तो वहाँ पर जाते टाइम तो हम वापस मतलब चले गए थे, एक फोर्ट था हम वहाँ पर गए थे, वापस आते टाइम पता नहीं हम गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे, तो गूगल मैप में उसने कुछ ऐसा कोई वे दिखाया होगा कोई शॉर्टकट टाइप, एंड बिकॉज वी वेंट देयर फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमने वही रूट ले लिया, हमें लगा कि शायद वही रूट है पास में, तो हम वहां से निकले, बट वहां पर कुछ जंगल सा था वो, मतलब पक्की रोड नहीं थी वो, काफी ज्यादा वहां पे नो स्पॉट्स वगैरह थे, आसपास सारा जंगल ही था वहां पे, तो बीच में तो कई बार मेरी बाइक लगी भी है। अच्छा। मतलब ऑफ रोडिंग हो गई थी एक तरीके से, एक्सपल्स होती तो बहुत अच्छे से निकल जाती, बट थंडर बढ़ती बहुत ध्यान से निकालनी पड़ी, तो वो मेरे को लगता है वो कम से कम 8-9 किलोमीटर तो वो वैसा ही रास्ता था। अच्छा। और बहुत आराम आराम से जा रहे थे और डर भी लग रहा था कि पता नहीं हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, बट का तो इशू रहता है थोड़ा। बिल्कुल, बहुत इशू रहता है। उसके बाद वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो कोई ना कोई भगवान भी भेज देता है आपकी हेल्प के लिए, तो ऐसा ही हुआ था। एक कोई पता नहीं स्प्लेंडर पर कोई मिल गया था, कोई मेल ही था, तो उन्होंने बहुत ही डिसेंट था वो, उनको हमने बताया कि हमें नहीं पता लग रहा जगह का, तो उन्होंने कहा मैं आपको पूरा जहाँ पर आपको जाना है वहां तक छोड़ कर आऊंगा। और जा रहे थे जयपुर के, जयपुर से वापस आ रहे थे, वापस आ रहे थे। अच्छा। तो उसने हमें वापस हमारे होटल तक हमें पहुंचा कर ही वो वापस गया। अच्छा। था वो काफी अच्छा था, मतलब उसका नाम नहीं पता हमें, बट हाँ वो बहुत अच्छा, बहुत काइंड सोल था, भगवान का बंदा ही था, भगवान ने भेजा था तो अच्छा लगा। तो अर्शदीप, मैंने आपका इंस्टा अकाउंट देखा, वहाँ पे मैंने देखा कि आप बहुत सारी जगह घूमने गए हो, तो आपके फेवरेट डेस्टिनेशन क्या थी बाइक से, अगर आप रेकमेंड करना चाहो फीमेल राइडर को या मेल राइडर्स को भी कि ये फेवरेट डेस्टिनेशन है मेरी, यहाँ जाना चाहिए एक बाइकर को, तो कौन सी जगह होगी वो? वेल, मुझे लगता है मैंने अभी काफी सारी जगह एक्सप्लोर नहीं करी और मैं करना चाहती हूँ। अभी मेरा प्लान है जाने का मेघालय एंड साउथ, इज द प्लेस वेयर आई रियली वांट टू गो, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, तो मैं प्लान कर रही हूँ ऑल इंडिया राइड द नेक्स्ट ईयर, सो आई विल बी यू नो गोइंग टू दीज प्लेसेस। हाउएवर मैं जा चुकी हूँ उत्तराखंड, हिमाचल मैंने कवर किया हुआ है, एंड देन पंजाब तो नॉर्मली जाते रहते हैं, तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि यही कुछ जगह हैं जहाँ पर मैं जाती हूँ आसपास, बट जो कहते हैं ना लॉन्ग ट्रिप प्रॉपर, वो ऑल इंडिया राइड सून आने वाली है। अच्छा। तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और प्रिपरेशन चालू है। तो हिमाचल में कैसा एक्सपीरियंस रहा बाइकिंग का? हिमाचल में बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, मनाली यू नो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। माउंटेन्स तो वैसे भी यार देखो आपको पता ही होगा कि राइडर्स को पसंद होते हैं काफ़ी, तो वही है अच्छा लगता है वहाँ जाना, और अब तो वैसे भी विंटर्स आने वाली हैं तो इस टाइम पर भी लोग जाते हैं काफी राइड्स करने, तो प्लान बन रहा है अभी भी। तो माउंटेन्स में ट्रैवल करने के लिए अगर आपको सजेशन देना चाहे, जैसे कि कोई फर्स्ट टाइम, लोग प्लान तो बहुत बनाते हैं कि मैं जाऊंगा, लेकिन एक डर नहीं रहता कि माउंटेन्स में बाइक गिर जाएगी, या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताना चाहे हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, इसमें जो आपकी ट्रिक्स नहीं स्ट्रैटेजीज, बल्कि आप सोचोगे हाँ अपनी सेफ्टी के लिए चीजें रखो अपने पास, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, चार्जिंग सॉकेट ये सब चीजें, ताकि आपका फोन भी कनेक्टेड रहे, और दूसरी चीज अपने हेलमेट पर आपका इंटरकॉम जरूर होना चाहिए। आप कभी भी अकेले मत जाओ, मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो ऐसे माउंटेन मतलब इलाके में, क्योंकि एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम एक्चुअली जा रहे थे उत्तराखंड, तो वहां पर बीच में, क्योंकि वहां पर तो एकदम से ही मौसम बदल जाता है ना,
तो ये सितंबर का टाइम था शायद वहां पर, तो बारिश भी एकदम से होने लगी, पहले धूप थी और एकदम से बारिश होने लगी, और बारिश की वजह से मेरे को तो काफी मतलब डर लगने लग गया कि क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था फिर उसके बाद कि बहुत ज्यादा पानी भरने लग गया था। तो इस टाइम पर लैंडस्लाइड भी होती है, इस वजह से डर भी लगता है। तो अब वहां पर रुके कुछ टाइम, बट बारिश रुक नहीं रही थी, तो फिर उसके बाद हम मैंने कहा नहीं अब यहाँ पर रुके रहेंगे तो यहाँ पर फंसे रहेंगे, और रात भी हो रही थी, अंधेरा भी हो रहा था, तो इस वजह से निकलना पड़ा वहां से, और बहुत जिगरा रखकर निकलना पड़ा कि कोई नहीं देखी जाएगी जो होगा आगे जाकर। फिर हम एक गुरुद्वारे हमें मिल गया था गुरुद्वारा, तो वहां पर हम रुक गए थे स्टॉप में, एक्चुअली हेमकुंड साहिब जा रहे थे, तो तब की बात है। तो जैसे आपने गियर्स की बात करी, तो एक राइडर के पास कौन कौन से गियर्स होने चाहिए, हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत साल पहले जो जब मैंने राइडिंग स्टार्ट करी थी, फिर भी आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहो। देखिए आपके पास राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट्स आप ले सकते हो, अब तो देखो सब कुछ अवेलेबल है ही है। वैसे नी गार्ड्स वगैरह लेते हैं लोग, ठीक है, आप एल्बो गार्ड्स, नी गार्ड्स और अपनी राइडिंग बूट्स पहनो। राइडिंग बूट्स बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार बहुत ज्यादा लग जाती है, मतलब पैरों पर तो काफी ज्यादा लगती है, कहीं पर भी आप गिरो तो उससे डर होता है। कभी गिरे हो? नहीं मैं नहीं गिरी बाय गॉड्स ग्रेस, मैं नहीं गिरी हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंट्रोल में ही चलाती हूँ। और इसके अलावा हेलमेट तो देखो मस्ट है, हेलमेट तो होता ही होता है, हेलमेट तो हम यू नो एवरीबडी हैज हेलमेट। बाकी ग्लव्स वगैरह प्रॉपर आप राइडिंग गियर्स में जाओ, अगर आप कहीं बहुत दूर जा रहे हो तो दैट्स अ मस्ट। तो मतलब आप बताना चाहोगे कितना पैसे लगते हैं अगर राइडिंग के गियर्स लो, अगर हमारे व्यूअर्स को जो मतलब खरीदना चाहता है राइडिंग का शौक है, थोड़ा आइडिया उसको हो जाए कितने पैसे लगते हैं, रियलिटी चेक। डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांड का लेना चाह रहे हो। अब मेरे पास भी जैकेट है, बाइसन की जैकेट है मेरे पास, बाकी मैंने पैंट्स वगैरह तो नहीं लिए, मेरे पास नी गार्ड्स वगैरह हैं, हेलमेट है एमटी का। तो आप देखो अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी सेफ्टी के लिए है, तो आप यू कैन टेक अराउंड 20,000 तक आप ले सकते हो, मतलब अच्छे से उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, मतलब अपनी रेंज में आप देख सकते हो। बाकी हाई लेवल की देखो तो फिर वो तो फिर महंगी आएगी, वो तो ऑब्वियस है। तो हर्षदीप जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे बाइकिंग करते, मैंने भी बाइकिंग करी है, रोड रेज बहुत होता है, तो एज अ फीमेल राइडर आपके साथ कभी हुआ है कि कुछ रोड रेज हुआ हो? होता तो है, मोस्टली होता है, मतलब कई लोगों को तो चलो वैसे कई बार पता नहीं लगता कि लड़की चला रही है, बट जब उन्हें पता लगता है ना तो उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है कि इसने हमें पीछे कैसे छोड़ दिया, ऐसा होता है। तो काफी बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, बट कई लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे ही हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अभी कल की बात है, मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के साथ ही जा रही थी, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को थम्स अप दिखाया और यू नो अप्रिशिएट किया। तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, हम तो इग्नोर कर देते हैं। अब जो रोड रेज जो करते हैं फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं आप कर लो, आप चले जाओ, तो इट्स बेटर, क्योंकि आप भी उनके जैसे करोगे तो फिर क्या कोई डिफरेंस नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़की हो इसलिए लोग ज्यादा करते हैं या बाइक देख के ज्यादा करते हैं? कुछ होता है ना जैसे कि मतलब देख लिया कि बाइक सुपर बाइक है या कोई अच्छी बाइक है, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये भी करते हैं, डिपेंड करता है, आप देखते होगी लोगों का माइंड सेट क्या है, मतलब यू नो वो देखते हैं, उन्हें पता है कि ये राइडर है, या उन्हें ये भी पता है कि वो शूट कर रहे हैं, वो वीडियो भी बन सकती है, बट वो फिर भी जान बूझ के करते हैं ये सब चीजें, वो चाहते हैं कि हाँ हम भी आए लाइम लाइट में। ऐसे भी लोग होते हैं, वो करते हैं ऐसे। तो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा? काफी बार होता है, हम अपने मतलब राइड्स पे जा रहे हैं और साइड से कोई निकलेगा, मतलब मैं बाइक को कुछ नहीं बोलूंगी, स्प्लेंडर पे निकलते हैं मोस्टली। तो बाकी हाँ इट डिपेंड्स अपॉन द राइडर्स, बाइक्स तो अच्छी। तो कुछ कमेंट वगैरह पास करते हैं जैसे फीमेल राइडर हो तो? करते तो है, बहुत करते हैं, मतलब एक बार मुझे भी किसी ने किया था कमेंट पास, बट बाय चांस जिसको वो बोल रहा था वो मेरा फ्रेंड ही था। अच्छा। तो हम दो तीन लोग जा रहे थे, मैं अपनी जावा चला रही थी जो मेरी वॉबर है, तो वो पीछे ही थे दो तीन बंदे मेरे ग्रुप के। तो एक बंदा आया और वो रोकता है पास में, उन्हें लगा कि शायद ऐसे ही कोई होगा लड़का, तो देख के कहता है कि देखना कितनी चौड़ में चला रही है, जबकि मैं तो नॉर्मल अपनी बाइक चला रही हूँ। तो काफी बार ऐसा होता है, तो उसने बोला कि ये तो मेरी दोस्त है जिसके बारे में तो बोल रहा है। तो फिर वो कहता नहीं नहीं मैं तो ऐसे बोल रहा था, अच्छी लग रही है बाइक, अच्छी चला रही है। लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं लड़कियों को और एबिलिटी, बेसिकली ये कोई
मेल फीमेल वाली बात नहीं होती, बात होती है एक्सपीरियंस की, बात होती है स्किल की, बात होती है आपकी हैंडलिंग की. अगर आप वो चीज़ें कर सकते हो तो आप अच्छे राइडर हो. इट डजंट मैटर कि आपका क्या जेंडर है या जो भी है, बट लोग जनरली यही करते हैं कि फीमेल है, लड़की है, इसको क्या ही बाइक चलानी आती होगी. अच्छा, मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ, जैसे मेरे अकाउंट में मतलब मैसेज जो भी करते हैं, कमेंट भी कर देते हैं कि इसको बाइक चलानी भी नहीं आती होगी, उन्होंने मेरी रील देखी भी नहीं होती है, उन्होंने मेरा अकाउंट देखा भी नहीं होता कि हाँ इसने चलाई हुई है इतनी सारी बाइक्स, वो फिर भी कमेंट कर देते हैं. और फिर मेरा रिवर्ट यही होता है कि भाई पहले कमेंट करने से पहले तू देख ले अकाउंट, फिर बाद में बात करियो. उसके बाद आगे उनका रिप्लाई आता है, सॉरी सिस्टर, वो ऐसी गलती से कर दिया था. तो अभी तो हमने जैसे कि बात करी कि लोग मजाक बनाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि लोग, मैंने देखा आपके कमेंट सेक्शन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं जैसे आपने बताया, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहो, जो लगता नहीं कि यार इतनी सारी मेहनत करी, जो एक कमेंट नहीं आता, जैसे कि मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, कोई एक कमेंट हिट कर जाता है कि भाई जो तारीफ हो जाती है ना थोड़ा, मतलब आपको लगता है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, तो वैसा कुछ हुआ आपके साथ? मेरे को एक्चुअली जनरली आप बोलोगे मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो लोग कमेंट तो करते हैं पॉजिटिवली, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बट एक मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया गया था, किसी ने मुझे ये टेक्स्ट में मैसेज में भेजा था, उसने लिखा था मुझे कि I'm really happy to see girls riding like you and I wish my daughter becomes like you. तो ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था सुन के, मुझे मतलब अच्छा लगा कि मतलब पेरेंट्स सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी लड़की को और राइडर बनाना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा. तो अर्शदीप, अपना एम बताना चाहोगे, मतलब अभी तो तुमने राइडिंग स्टार्ट करी है, काफी अच्छी ग्रोथ है तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो तुम्हारा एम क्या है एट द एंड ऑफ द डे? एम तो ट्रैवल है और सोर्स है बाइक्स, तो बाइक राइडिंग ट्रैवल करने के लिए और मेमोरीज बनाने के लिए बेसिकली, क्योंकि मैं इसीलिए करना चाहती हूँ राइडिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कार्स पसंद नहीं है, कार्स भी पसंद है, बट बाइक्स ज़्यादा पसंद है. तो मेरा विजन ये है कि मैं मेमोरीज बनाऊँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नो यू गो विद मेमोरीज, मेमोरीज ही रह जाती है. मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक चीज़ जो मैं भी ट्रैवल करना चाहती हूँ या कुछ बकेट लिस्ट में चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं कंप्लीट करके ही जाऊँ इस दुनिया से और उसके बिना ना जाऊँ. बाकी हाँ, अगले पल का पता नहीं होता, बट मेरा विजन यही है. तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे, कोई सजेशन आप देना चाहो, जैसे नहीं लड़कियाँ करना चाहती हैं राइड पर, नहीं कुछ मतलब वो हेजिटेट करती हैं कि नहीं यार. एब्सोल्युटली, काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, लड़कियाँ मैसेज करती हैं मुझे कि आप बाइक सिखा दो हमें चलाना. देखो मैं प्रोफेशनल एज अ ट्रेनर नहीं हूँ, क्योंकि बाइक ट्रेनर होते हैं, मैं उस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो बाइक राइडिंग तो आप अपने ब्रदर, अपने फ्रेंड या किसी को लेकर जाओ अपने साथ. और ज़्यादा पावरफुल बाइक ना लेते हुए कोई 150cc बाइक या कोई छोटी बाइक जो होगी जिसमें ज़्यादा पावर ना हो, हैंडलिंग जिसकी ईजी हो, आप उससे स्टार्ट करो. और नो मैटर वॉट पीपल से, जस्ट डू वॉट यू लाइक. अपनी हैप्पीनेस देखो, कोई जो भी कह रहा है उसका क्या मतलब है, मतलब आप देखो आपको इंटरेस्ट है आप करो. तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको, कोई भी कुछ बोलेगा स्टार्टिंग में इग्नोर ही करना पड़ेगा. मैंने भी बहुत इग्नोर किया है. तो यार अर्शदीप, एक मतलब जो कंटेंट आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हेलमेट राइडर जो होते हैं जो मतलब हेलमेट पहन के ऐसा अपना फेस रिवील नहीं करते, बट ऐसे ऐसे अजीब कंटेंट बनाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनके बारे में बताना. जो सबसे पहले फीमेल राइडर्स के बारे में, राइडर भी उनको नहीं कह सकते जो ऐसा कंटेंट बनाते हैं लड़कियों में स्पेशली, उनके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राइडर्स होते हैं या जो कहते हैं अपने आपको राइडर्स, ये अपना फेस रिवील तो नहीं करते, मतलब कुछ टाइम तक नहीं करते, बाद में चाहे कर दे आई डोंट नो अबाउट इट. कहते तो हैं कि हम कर देंगे 1 lakh या 1 million सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स पर, बट होता ही है कि वो नहीं करते, फिर भी नहीं करते. फिर वो कहते हैं इतने पे कर देंगे, 10 पे कर देंगे, तो वो बढ़ता जाता है. तो ये जो राइडर्स होते हैं, ये आई डोंट नो इनका विजन, मेरे को नहीं पता क्या होता है, क्योंकि ना ही ये ट्रैवल करते हैं ना ही ये राइड करते हैं. ये जनरली आप कह सकते हो शौक के लिए करते हैं, मुझे नहीं पता उनका क्या विजन है. मतलब फीमेल राइडर्स तो मोस्टली न्यूडिटी मतलब उस पर प्रमोट, मेरे को लगता है जैसा. अब भाई मैं इसमें थोड़ा वो हो जाएगा कंट्रोवर्शियल, लेकिन आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहोगे कि आपको क्या लगता है? ऐसे राइडर्स काफी राइडर्स हैं, इंडियन राइडर्स भी हैं और काफी ज्यादा फॉरेनर्स भी हैं. मैंने काफी सारे ऐसे मतलब, क्योंकि मेरा यही कंटेंट रहता है, मैं यही तो देखती रहती हूँ कि क्या चीजें चल रही हैं, तो मुझे मेरी फीड पे यही सब चीजें आती रहती है, चाहे मैं फॉलो करूँ ना करूँ, बट मेरे को यही डिस्प्ले होती है. तो मैंने देखी हैं काफी सारी ऐसी पोस्ट, काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो ये मतलब लड़कियां मोस्टली करती हैं. और मतलब आप बहुत शॉकिंग है, लोग पसंद भी करते हैं, मतलब लाइक्स देखोगे, शेयर्स देखोगे, बहुत ज्यादा ग्रोथ मतलब मिलती है. आई थिंक सो ये सब करके उनको
क्योंकि जनरली अगर आप कोई चीज में यू नो एफर्ट्स कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो या एडिट कर रहे हो या कुछ भी इंफॉर्मेटिव दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो चांसेस आर लोग, क्योंकि लोग ना वो पूरा देखते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है. मतलब मुश्किल से अगर 1 मिनट की भी है रील तो वो 10-20 सेकंड सुनेंगे और वो स्किप कर देते हैं और उसकी रीच नहीं आती मेरे हिसाब से. तो जो ये ऐसे कंटेंट डालते हैं क्योंकि वो उसमें ही ऐसी चीजें दिखा देते हैं, मतलब कंटेंट तो देख ही नहीं रहे, देखते कुछ और है, तो उसकी वजह से लोग स्किप नहीं करते, उसको पूरा देखना चाहते हैं. तो यही होता है. आई डोंट नो उनका विजन क्या है, क्यों करते हैं, उनको क्या फायदा होता है इससे, मुझे नहीं पता. और जो मेल राइटर्स मतलब कुछ भी लिख के डाल देते हैं, मतलब आपने भी देखे होंगे पोस्ट, काफी सारे पोस्ट मैंने ऐसे देखे हैं कि हाँ उन्होंने भी काफी कुछ लिखा होता है और काफी लड़कियां भी कमेंट कर रही होती हैं उन चीजों पर. तो चलो ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं या मुझे नहीं पता है किसके लिए कर रहे हैं, बट ठीक है. बट आपको बुरा लगता है कि जैसे मैंने भी ट्रैवलिंग कंटेंट बनाया था, ट्रैवल करा था बाइक से, इतनी मेहनत करके, मतलब एक सिंपल अगर आप व्लॉग बना रहे हो बाइकिंग का या कुछ कर रहे हो, उस पर इतने व्यूज नहीं आते, इन सब चीजों पर इतने व्यूज आ जाते हैं, तो उस पर बुरा लगता है आपको? बुरा तो देखो लगेगा ही, ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, आप यू नो काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी व्लॉग्स भी बनाते हैं ना, काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, डेस्टिनेशंस टू ट्रैवल, द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल ट्रैवलिंग, काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, बट लोग नहीं देखते. काफ़ी सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं यूट्यूब ग्रो करने के लिए, इंस्टा ग्रो करने के लिए, बट नहीं हो पाता, पता नहीं लोग सपोर्ट नहीं करते या क्या है. तो बुरा लगता है, ऑब्वियसली मुझे अपने लिए भी काफी बार बुरा लगता है, क्योंकि ये जो है राइडर्स होते हैं जो ऐसे कंटेंट डालते हैं उन पे इतनी रीच है और पता नहीं क्यों है, और हम जो कि यू नो कुछ नया करने का सोचते हैं कुछ, तो उस पे नहीं होती इतनी रीच, नहीं आती, कंपैरेटिवली आती है बट इतनी नहीं आती आप कह सकते हो. तो रीच की बात करते हैं, एक चीज बहुत ज्यादा आजकल चल रही है, मतलब आपने भी देखी होगी रील्स वगैरह में कि लड़कियां मतलब कुछ ऐसा कंटेंट बनाती है कि रातों रात वायरल हो जाता है, ये लड़के भी कुछ ऐसा ऐसा करते हैं चीजें जो वायरल हो जाती हैं, और जो लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे आप भी इतने अच्छे कंटेंट बनाते हो, दाम टाइप, हाँ समझ गया, आप इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हो, मैंने आपका देखा कि आपके मतलब सब फॉलोवर ज्यादा होने चाहिए थे, लेकिन कंपैरेटिवली जितनी आप मेहनत करते हो, मेरे साथ भी यही है, लेकिन आपके आप तो फीमेल होकर भी मतलब लड़कियों की तो रीच ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब मैं जज नहीं कर रहा, मतलब एक इन जनरल बता रहा, तो भी आप कितने कम है, तो उस चीज पे अगर आप कुछ बोलना चाहो. क्या ही कह सकते हैं, अब ऑडियंस है जो किसी को पसंद आई चीज, मैं फॉलोअर्स के पीछे तो नहीं जाती, मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस सपोर्टिव हो, अच्छी हो, मुझे समझती हो, क्योंकि मेरा मिक्स्ड कंटेंट होता है, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ राइडिंग ही डालती हूँ, मैं ट्रैवल भी उसमें पोस्ट कर देती हूँ, कई बार लाइफस्टाइल का भी कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ राइडिंग ही प्रमोट करती हूँ. तो मैं तो देखो अपने लिए जो भी मैं करती हूँ मैं वो पोस्ट कर देती हूँ जेनरिक, मेरा यही है चीज़. बाकी जो लोग स्पेसिफिकली मोटो व्लॉगिंग करते हैं वो तो स्ट्रिक्टली मोटो व्लॉगिंग पर ही स्टिक रहते हैं और उसी से रिलेटेड यू नो पोस्ट वगैरह करते हैं. तो मैंने आपका भी देखा है पेज, आप भी करते हो काफी, आप तो काफी ज्यादा मेहनत करते हो, हाउएवर पीपल आर फॉलोइंग यू, कर रहे हैं धीरे धीरे और सपोर्टिव हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, ऐसे धीरे धीरे ग्रो होते हैं. मेरे को ओवरनाइट वाली सक्सेस वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे रिस्पेक्ट भी नहीं आती, वो फिर उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कच्चा बना उसका फायदा नहीं है. तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, बट या Every good thing takes time. तो जैसे अर्शदीप तुमने ये कंटेंट बनाना शुरू करा, काफी लोग तुमसे इंस्पायर हुए, तो तुम्हारे इंस्पिरेशन कौन था? मेरी इंस्पिरेशन वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मुझे बाइक्स पसंद थी, बट हाँ मेरे को बाइक्स में और ज्यादा इंटरेस्ट, या कह सकते हो मोटो व्लॉगिंग में जाने के लिए जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो हुआ JS Films, जट प्रभजोत, इनके व्लॉग्स और इनकी यू नो इनके रील्स वगैरह देख देख कर. तो अच्छा लगता है, मतलब इनके पास इनके गराज में इतनी सारी बाइक्स हैं, मतलब दे आर लिविंग द लाइफ वी ऑल्सो वॉन्ट टू लिव समहाउ. अच्छा लगता है देख कर कि हम भी चाहते हैं कि हाँ हम भी किसी दिन ऐसा लेंगे, ऐसा ही होगा. तो दैट्स व्हाट आई लाइक. या तो यार जैसे मैं भी बाइकिंग करता था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2019, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने ब्लॉग्स में भी डाला था. तो ऐसे तुमने कोई रोड एक्सीडेंट देखा हो जैसे देख के तुम्हें लगा हो यार मन डर गई हो या कुछ हुआ हो ऐसा, तो हमारे साथ शेयर करो. मेरे सामने ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट हाँ एक एक्सीडेंट क्रैश ऐसा हुआ था. राइड पे ही जा रही थी मैं, तो मेरी गलती थी, मतलब एज इन मैं अपने ग्रुप के साथ जा रही थी और दो लड़कियाँ थी, मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि हाँ हम भी जाना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें एज इन बोला कि ठीक है मेरे साथ चल लो.
मुझे उनका राइटिंग स्टाइल नहीं पता था, तो ये मेरी गलती थी कि मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया. अच्छा. तो आई डोंट नो, मैं अपनी स्पीड पे ही जाती हूँ, मैं किसी को देख के वैसे भी पंप नहीं होती हूँ, मैं किसी को देख के नहीं होती पंप. तो उन्होंने वो जो लड़कियाँ थी, बाकी ग्रुप के राइडर्स थे, वो तेज चला रहे थे, तो वो उनको देख कर तेज चलाने लग गई थी. उनमें से एक जो लड़की थी, वो एक लड़के में उसने क्रैश कर दी, जीटी जीटी में क्रैश कर दी थी. तो उसमें काफी ज्यादा, मतलब जो कह सकते हो इंजरी हुई, वो लड़के की हुई, क्योंकि लड़के के पैर पर लग गई थी काफी ज्यादा, और उसके स्टिचेस भी आए थे. बट चलो, दैट्स अ फॉर्चुनेट थिंग कि उनके कोई मसल, मतलब उनके हड्डी वगैरह ऐसा कुछ लॉस नहीं हुआ. बट हाँ, मतलब इसमें ये क्या होता है कि आप चले तो जाते हो, और एक्सीडेंट हो गया ना तो आप बेड पर ही रहोगे कुछ टाइम तो. क्योंकि वो लड़का फिर उसके बाद एक महीना तो वो बेड पर ही लेटा रहा, उसका पैर नीचे ही नहीं लगा उसके बाद. और वो लड़की ही चली गई, उसको नहीं लगी थी इतनी, उसको इतना ज्यादा नहीं लगा था. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरी गलती थी. न्यू राइडर्स ऐसे आप कनेक्ट करो भी, तो आप पहले उनकी राइडिंग स्टाइल देखो. ऐसे आप किसी के साथ ज्यादा राइड करना मैं प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अगला कैसा चलाता है और आप कैसे चलाते हो. तो कुछ रूल्स होते हैं, आप देखते हो संडे जैसे राइड करते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, मेजरली कुछ ग्रुप्स हैं जिनमें कुछ रूल्स फॉलो करते हैं वो, कि एक लेन में चलना है, किसी को ओवरटेक नहीं करना, काफी सारी चीजें होती हैं. तो वो चीजें फॉलो करनी चाहिए अगर आप ज्यादा लोग हो. बट आप देखोगे कि संडे को मोस्टली एक्सीडेंट होते ही हैं, एक ग्रुप नहीं तो दूसरे ग्रुप में. मतलब कुछ रूल्स हैं जो आपको ओबे करने चाहिए अगर आप जा रहे हो. उसके बाद मैंने ऐसा कोई, मतलब किया नहीं ऐसा कोई राइड, ऐसी कोई राइड की नहीं. काफी सिलेक्टिव लोग हैं जिनके साथ मैं जाती हूँ, और उन्हीं के साथ जाना मुझे पसंद है, क्योंकि उन्हें मेरी राइडिंग स्टाइल पता है और मुझे उनकी पता है. सिंपल. तो ऐसा ही होना चाहिए. अगर आप अपना ग्रुप बनाना चाहते हो तो पहले तो आप कुछ टाइम राइड्स करो, स्मॉल राइड, जैसे नहीं मतलब शॉर्ट राइड्स करो, कुछ लॉन्ग राइड वगैरह प्रेफर ना करो. और उसके बाद ही आप उनके साथ कुछ सोचो, अगर आप सोचना चाहते हो कि हाँ कुछ लॉन्ग ट्रिप या समथिंग लाइक दैट. तो जब भी बाइकिंग की बात होती है, लोग मतलब बाइकिंग को ओवर स्पीडिंग से कंपेयर करते हैं, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहो कि लोग जो ओवर स्पीड करके दिखाते हैं, व्हीली मार के, स्टंट मार के, अब कूल बनते हैं एक्चुअली, उनके बारे में तुमने कभी कोई मतलब देखा है अपने ग्रुप या किसी उसमें? है काफी सारे. अब ये भी वही चीज है, इंटरेस्ट है लोगों का. बट हाँ, बाइकिंग अलग चीज है, राइडिंग अलग चीज है, और रेसिंग अलग चीज है, है ना, स्टंटिंग अलग चीज है. आप ये सोचते हो, मैं भी अब जैसे कोई चीज पोस्ट करती हूँ तो लोग यही कहते हैं कि व्हीली मार के दिखाओ. अब व्हीली मारने से कैसे आप कह सकते हो कि मैं राइडर हूँ? राइडर बनने के लिए क्या व्हीली मारनी जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं होता. राइडिंग जो बंदा करता है वो हर एक बाइक चला सकता है, हर एक बाइक को हैंडल कर सकता है, तब वो राइडर है. उसको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, बाइक को कैसे मैनेज करना है, अगर कोई चीज खराब हो जाए या कुछ, मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, सब चीजें तो होनी चाहिए. बाकी हाँ, आपकी हैंडलिंग अच्छी हो, आपकी स्किल्स अच्छी हो, वो राइडर होते हैं. ये स्टंटिंग वगैरह से राइडर्स नहीं होते, ये स्टंटमैन होते हैं फिर. ठीक है. तो हाँ, स्पीडिंग एक चीज है जो कि डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि आप कहते हो कि जो बंदा स्पीड में नहीं हैंडल कर पाता वो एक अच्छा राइडर नहीं है. काफी हद तक हाँ आप कह सकते हो, बट आपको रोड भी देखनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ चला रहे हो. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, अगर आप इंडिया जैसी रोड पे आप कह रहे हो कि हाँ मैं तेज चलाऊंगा और मैं संभाल भी लूंगा, तो वो आप नहीं संभाल पाओगे, मोस्टली नहीं संभाल पाओगे. तो आप उतना ही चलाओ जितना आप संभाल सकते हो, विच इज वाइस फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड एवरीबॉडी अराउंड यू. तो यार, बाइकिंग की जब भी बात आती है इंडिया में, मोस्टली लोग एक मूवी का नाम बहुत लेते हैं, धूम का, कि उसके बाद से ही बाइकिंग का क्रेज हुआ था, जब से जॉन अब्राहम ने हेलमेट वगैरह पहना था, बाइक चलाई थी. तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था उस मूवी को देखने के बाद? मुझे भी काफी ज्यादा बाइकिंग पसंद आई उसके बाद. बाइक्स उसमें है ही, आपने देखी है मूवी, मैंने भी देखी है, अभी मैंने रिसेंटली फिर देखी है. तो कितनी बार देख चुकी हो तुम? तो अब नंबर्स में कैसे काउंट करके बताऊं. काफी बार देख लिया है. तो इसके अलावा सलमान खान, क्योंकि वो भी मतलब राइड वगैरह करता है, उसकी भी लाइफ स्टाइल में अगर आप देखोगे तो उससे भी थोड़े से इंस्पायर्ड हूँ मैं. मतलब आप कह सकते हो कि ये तो रोल मॉडल्स है, मतलब लोगों के लिए राइडिंग में, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ, पहले इतनी मार्केट नहीं होती थी वैसे स्टार्टिंग में. अगर आप कुछ साल पहले की बात करो, कुछ
7-8 साल पहले, मतलब ठीक है लोग करते थे, बट अब हर दूसरा पर्सन, आप किसी से भी बात करो, वो करना चाहता है. लोगों में हाइप है अब बहुत ज्यादा, लोगों ने चैनल बना लिए हैं, स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है. अभी उनके पास बाइक भी नहीं है, बट उन्होंने चैनल बना दिए हैं कि हाँ इतने फॉलोअर्स होंगे तो मैं बाइक लूंगा. ऐसा भी चल रहा है, मैंने देखा है ऐसा. तो हाँ, लोगों को अब पता नहीं कह सकते हो कि क्या बोलो, इन्फ्लुएंस हो चुके हैं शायद कह सकते हो. बट हाँ, मेरे को लगता है कि लड़के तो जो टीनेजर्स होते हैं या 25 अंडर होते हैं, इनको तो होता ही है बाइक्स का शौक, मुझे ऐसा लगता है. बाकी बहुत, मतलब आप कह सकते हो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बाइक्स ना पसंद हो. वो कुछ होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से नहीं करते, बाइकिंग छोड़ देते हैं या करियर पे ध्यान देते हैं, कार ले लेते हैं. उनको समझना पड़ता है कि हाँ नहीं, कार लेने इज नेसेसरी फॉर फैमिली, फैमिली मैन हो जाते हैं ना. बट कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि यार हम भी लेना चाहते थे. हमने मतलब काफी सारे लोगों से ऐसी भी बात हुई है जो कहते हैं कि यार, देख के खुश होते हैं कि हाँ आपके पास बाइक है, हम भी लेना चाहते थे बट नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो अपने शौक ही है जो लोग पूरा पूरे करना चाहते हैं, बट हाँ सोसाइटी और काफी सारी चीजों के वजह से रुक जाते हैं. तो मैं तो यही कहूंगी कि रिग्रेट करने से अच्छा कर लो एक बार. तो अर्शदीप, आप बाइक राइडिंग का, जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हो? आगे आने वाले टाइम पे लोग इसको ज्यादा करेंगे या एक टाइम बाद इसका क्रेज बंद हो जाएगा? जैसे अभी वेरियस सेगमेंट्स की बाइक्स लॉन्च हो रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ेगा, क्योंकि काफी सारे सेगमेंट्स की बाइक लॉन्च हो रही है. अभी KTM की भी बिग बाइक्स आ गई है ना, आपने अभी देखा होगा. तो ट्राइम्फ की भी बाइक्स हैं, कितने सारी बाइक्स हैं, मतलब हर सेगमेंट में बाइक्स हैं. और अब तो 150cc बाइक, मतलब 200cc बाइक ज़्यादा लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं. मतलब लोगों को ये हो रहा है नहीं नहीं, ज़्यादा सीसी की बाइक, ज़्यादा पावर. तो लोग हाँ ड्रिवन है इस चीज़ से, और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रो करेगा. बट ये भी एक फैक्टर है कि कुछ टाइम के बाद ईवी का टाइम है, और काफी सारे ब्रांड्स ने तो लॉन्च भी कर दिया ईवीज, है ना. बट लोग इतना पसंद नहीं करते ईवीज को, पर्सनली मैं भी पसंद नहीं करती क्योंकि जब तक वो फील नहीं आएगी तो कैसे पता लगेगा कि हाँ बाइक चला रहे हो. तो ये तो है ही है, ये तो होता ही है. बट अभी कुछ टाइम तक ऐसा लगता है कि ये ग्रो ही करेगा, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि पहले इतना नहीं था, अब तो काफी ज्यादा क्रेज है लोगों में, और पीपल आर वर्किंग हार्ड फॉर सुपर बाइक तो बोलूंगी नहीं ना लेने के लिए. मतलब बाइक ऑलरेडी उसको चलानी आती है, मैं उसे बोलूंगी कि वो लेवल अप धीरे धीरे करके करे. अब जैसे उसने 200cc चलाई, फिर वो 350cc चलाई, फिर वो 650cc चलाई, फिर उसके बाद ब्रांड आप बताना चाहो कौन से आपको? ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रांड मैं वो नहीं करती हूँ, प्रेफर नहीं करती हूँ. मेरे को बाइक्स डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग सेगमेंट की, अलग अलग आप कह सकते हो मोटिव के लिए पसंद है. जैसे टूरर बाइक्स हैं तो वो अलग चीज के लिए, रेसिंग बाइक्स है वो अलग चीज के लिए. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक कोई ब्रांड है. या ऑफरोडिंग के लिए आपको कौन सी बाइक सबसे अच्छी लगती है, आपकी पर्सनल फेवरेट? ऑफरोडिंग के लिए देखो, एक्सपल्स ही मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि वो तो है ही, मतलब आपको पता ही. और उसकी भी नई लॉन्च हो गई है 210 एक्सपल्स, तो देखते हैं उसका भी जल्दी लेते हैं ट्रायल. तो क्या अच्छी है वो बाइक. तो अर्शदीप, बिफोर वी रैप आवर पॉडकास्ट, आप हमारे व्यूअर्स को कोई लास्ट मैसेज देना चाहो राइडिंग से रिलेटेड? मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो, और आपकी फैमिली ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके बाद वही सफर करेंगे. तो इसलिए आप ओवर स्पीडिंग ना करें, और अगर आप करें तो उतनी ही करें जितनी आप संभाल पाए. That's what is necessary. So guys, ये था हमारा podcast riding के ऊपर, and I hope you guys like this podcast. So please subscribe the channel and share with your friend. जैसे मैंने बोला था कि अर्शदीप कौर की मैंने जो insta account है वो मैंने description पे डाल दिया, तो आप उसको जाके follow कर लो, उसके followers बढ़ाओ, बहुत अच्छा content बना रही है वो, and I really like your content, अर्शदीप. Thank you so much. Thank you for being our guest, and please subscribe the channel and share with your friends. Have a great day. Bye bye.